गुजरात चुनाव प्रचार में बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। पीएम मोदी निकाल रहे हैं अब तक का सबसे लंबा रोड शो। गुजरात चुनाव में इस बार मुकाबला बहुत कड़ा होने वाला है। गुरुवार को गुजरात में पहले चरण के लिए राज्य की 89 सीटों पर वोट डाले गए। पहले चरण की वोटिंग के बाद अब सभी पार्टियां दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में लग गई हैं। पहले तो बीजेपी का कड़ा मुकाबला सिर्फ कांग्रेस के साथ ही होता था, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी आ खड़ी हुई। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं और कार्यकर्ताओं ने भी गुजरात चुनाव प्रचार में पूरा जोर लगा दिया। आम आदमी पार्टी ने अच्छी शिक्षा और अच्छी सेहत देने का जनता से वादा किया है, और वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने भी और ज्यादा विकास करने की बातें जनता के साथ की हैं। आम आदमी पार्टी के गुजरात में आने से बीजेपी को कड़ी टक्कर मिल रही है। इससे बीजेपी को भी वोट बैंक कम होने का डर सता रहा है। इसीलिए बीजेपी की पकड़ ज्यादा मजबूत करने के लिए पीएम मोदी ने भी पूरा जोर लगा दिया। पीएम मोदी ने अब तक का सबसे लंबा रोड शो गुजरात में निकाला। ये रोड शो 50 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा था। पीएम मोदी ने इस रोड शो के दौरान एक या दो नहीं बल्कि पूरी 16 विधानसभा सीटों को एक साथ साधने की कोशिश की। ये रोड शो नरोदा गांव से शुरू होकर गांधीनगर दक्षिण तक चला। 2002 के दंगों के दौरान नरोदा गांव दंगों के केंद्रों में से एक था। गुजरात चुनाव की अहमियत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पीएम मोदी ने अभी तक इतना लंबा रोड शो कभी नहीं किया। इससे पहले सूरत में उनका एक रोड शो हुआ था जो करीब 28 किलोमीटर लंबा था। पीएम मोदी का गुजरात चुनाव को लेकर इतने जोर शोर से प्रचार करना बहुत अहम माना जा रहा है, और इस चुनाव को उनकी प्रतिष्ठा के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि पीएम मोदी का गृह राज्य भी गुजरात ही है। वो लंबे समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बता दें कि गुजरात में साल 1995 से ही बीजेपी सत्ता में बनी हुई है, और ऐसी परिस्थिति में बीजेपी को टक्कर देना भी आसान काम नहीं है। अपनी इसी सत्ता और प्रतिष्ठा को बनाए रखने में बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है। इसका उदाहरण हमने बीते गुरुवार को हुए पीएम मोदी के 50 किलोमीटर लंबे रोड शो में देख लिया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पीएम मोदी का ये रोड शो दूसरे चरण के चुनाव के लिए काफी अहम साबित हो सकता है। गुजरात में बीजेपी का लक्ष्य अब तक की जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ने का है। गिर सोमनाथ जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने गुजरात के मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का जिक्र करते हुए कहा था कि मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि भूपेंद्र नरेंद्र के रिकॉर्ड को तोड़े। आइए अब जान लेते हैं कि पीएम मोदी का ये रोड शो कहाँ कहाँ से गुजरा। पीएम मोदी का ये रोड शो ठक्कर बापू नगर, निकोल, अमराईवाड़ी, मणिनगर, दानी लिम्बाड़ा, जवालपुर खड़िया, एलिस ब्रिज, विजलपुर, घाटलोडिया, नारायणपुर और साबरमती सहित 16 सीटों से होती हुई गांधीनगर दक्षिण तक पहुंची, जहां इसका समापन हुआ। इस रोड शो में करीब 4 घंटे का समय लगा। रोड शो इस चुनाव में भाजपा का सबसे बड़ा इवेंट है, जहां हजारों लोग पार्टी के झंडे लहराते हुए ढोल नगाड़ों पर मार्च करते नजर आए। मालाओं से सजे प्रधानमंत्री खुले एसयूवी में सवार होकर सड़कों पर उमड़ी भीड़ को हाथ हिलाते और उनका अभिवादन करते हुए नजर आए। यही वजह है कि चुनाव प्रचार में पीएम मोदी भी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरे हुए हैं। बीजेपी ने गुजरात में अपने पुराने 38 विधायकों के टिकट क्यों काटे? बीते 9 महीने में 2 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स गुजरात को मिलने से भी पार्टी काफी खुश है। किसी भी एंटी इनकम्बेंसी यानी विरोधी लहर से निपटने के लिए पार्टी ने 38 विधायकों के टिकट को काट दिया। कई नए चेहरों को मैदान में उतारा है ताकि जनता का विश्वास जीता जा सके। अब तक बीजेपी का गुजरात में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2002 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में था, जो उस समय राज्य के मुख्यमंत्री थे। तब पार्टी को 127 सीटें मिली थी। 1985 में माधव सिंह सोलंकी के नेतृत्व में कांग्रेस द्वारा अब तक की सबसे अधिक 149 सीटें जीती गई थी। अब सभी पार्टियां तो अपना काम कर रही हैं, सभी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। अब देखना ये होगा कि 8 दिसंबर को जनता ने क्या निर्णय लिया है। 8 दिसंबर को गुजरात के साथ साथ हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के उपचुनावों के नतीजे देश के सामने आ जाएंगे। क्या बीजेपी इस बार फिर दोबारा गुजरात और हिमाचल में सत्ता हासिल करेगी, या इस बार जनता किसी और को मौका देगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब की एसटीटीवी।